थी तानसेन हैदराबाद में मेरा बर्थडे डिनर सेलिब्रेट करने के लिए, एंड लेट मी शो यू हाउ द प्लेसेस. तो ये रिसेंटली ओपन हुआ है 3-4 महीने पहले, एंड इससे पहले एक्चुअली तानसेन सेकंदराबाद में होता था, बट दे शिफ्टेड इट टू गच्चीबोली राइट नाउ, एंड द प्लेस इज़ रियली गुड एज यू कैन सी. बट आई वुड हाईली सजेस्ट कि स्पेशली अगर आप वीकेंड में आ रहे हो तो पहले से ये बुक कर लेना, गूगल में आपको नंबर मिल जाएगा जगह का. तो पहले हमारा प्लान था कि लंच में आने का, लेकिन इतना बारिश हो रहा था तो वी हैड टू कैंसिल दैट प्लान. फिर शाम को जब आए थे वी हैड टू वेट फॉर 1 आवर. तो आई वुड सजेस्ट दैट कि पहले से बुक कर लेना. एंड यहाँ पे सीट मिलने के बाद यहाँ पे एक मेन्यू था कि देवर डिफरेंट काइंड ऑफ वाटर लाइक गोल्ड वाटर एंड स्पार्कलिंग वाटर एंड स्टफ, जो मैंने ऑब्वियसली ट्राई नहीं किया था. बट आई रियली लाइक दिस प्लेस. एंड यहाँ पे मेनू ऑब्वियसली ये थोड़ा हायर एंड साइड में है, ये एक फाइन डाइनिंग प्लेस है. एंड सबसे पहले यहाँ पे ऑर्डर देने से पहले ही दे सर्व्ड अस कॉम्प्लीमेंट्री आई थिंक रोज वाटर काइंड ऑफ, विच वाज लाइक प्रिटी नाइस. एंड ये जगह ना काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पे अगर आप फैमिली डिनर या फिर ऑफिस के पार्टी के लिए भी यहाँ पे आ सकते हो. एंड दिस इज हाउ द होल प्लेस लुक लाइक. तो अभी खाना दिखाती हूँ क्या क्या ऑर्डर किया था. तो सबसे पहले ये स्टार्टर में भट्टी का मुर्ग ऑर्डर किया था, तो चिकन का प्रिपरेशन है विच वॉज प्रिटी गुड. एंड उसके साथ पत्थर का गोश्त भी ऑर्डर किया था. ये सर्व नॉर्मली जैसे ये पत्थर के ऊपर सर्व करते हैं वैसे ही हुआ था. तो मुझे ये डिश वैसे उतना पसंद नहीं है पत्थर का गोश्त, लेकिन संजय का बहुत फेवरेट है तो ऑर्डर किया था. एंड दिस वॉज रियली यम्मी, लाइक बोथ ये चिकन एंड मटन क्वान्टिटी भी काफ़ी सही था, एंड खाने में भी लाइक द टेस्ट वॉज एक्चुअली प्रिटी गुड. एंड यहाँ पे कॉकटेल्स भी अवेलेबल है, तो मैंने नॉर्मल एक LIIT लिया था, संजय ने बेगम का बाजार करके कुछ एक कॉकटेल ऑर्डर किया था विच वॉज प्रीटी नाइस, बट अगेन लाइक इट्स क्वाइट प्राइसी. नेक्स्ट वी थॉट ऑफ ऑर्डरिंग मेन कोर्स, लेकिन मुझे एक याद आया कि एक रील में किसी ब्लॉगर ने बताया था कि दिस मशरूम एंड ट्रफल कुल्चा इज प्रीटी नाइस, एंड आई ट्राइड इट एंड गाइज इट्स सो गुड. लाइक एक ना कुल्चा के ऊपर मशरूम एंड ट्रफल्स पूरा स्टफ्ड है. दिस इज समथिंग दैट आई वुड हाईली रिकमेंड फॉर यू टू ट्राई. यहाँ पे आई थिंक नॉन वेज का भी अलग से ऑप्शन है कुल्चा के ऊपर स्टफिंग, यू कैन ट्राई. एंड मेन कोर्स में इतना खा के पूरा ऐसे पेट तो भर गया था, सो वी डिडंट वांट टू हैव लाइक नान एंड ऑल. तो यहाँ पे एक नॉर्मल बस लैम्ब मतलब मटन बिरयानी ऑर्डर किया था. बिरयानी काफ़ी अच्छा था, इट इज़ नॉट वेरी स्पाइसी एंड मसाला भी काफ़ी कम था, लाइक इट्स वेरी लाइट वेट. एंड पर्सनली मुझे ये टेस्ट काफ़ी अच्छा लगा इस जगह का. एंड जैसे मैंने बताया कि इट वॉज माई बर्थडे, दिस वॉज ऑन 1st of September, तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री दे गए वहाँ सा केक एज वेल, तो आई सेलिब्रेटेड अ लिटिल बिट विद दैट. एंड बिल भी दिखा देती हूँ कि कितना हुआ था फाइनली. इट केम इन दिस वेरी नाइस बॉक्स, एंड ओवरऑल हमारा बिल हुआ था 6,000 रुपीज़. दिस इज़ इंक्लूडिंग लाइक द कॉकटेल एंड द सर्विस चार्ज 10% एज वेल. तो कॉकटेल का ही काफ़ी ज़्यादा था, वो छोड़ के 4,000 में नहीं तो हो जाता. एंड हम अभी जा रहे हैं वापस. दिस इज़ द केक दैट दे गेव. एंड खाना वहाँ पे काफ़ी अच्छा था, लाइक आई रियली रियली लाइक द फूड. तो रील देख के जगह देख के मुझे लगा था कि लाइक द प्लेस इज सो नाइस, द फूड माइट नॉट बी गुड, बट दैट्स नॉट द केस. यहाँ पे जगह भी अच्छा है, सर्विस वॉज ऑल्सो रियली गुड, एंड प्लस खाना काफ़ी अच्छा था. लाइक आई पर्सनली वुड हाईली रिकमेंड दिस प्लेस. बट एनी वे, इस चैनल में जनरली मैं ऐसे हैदराबाद का लाइक न्यू कैफेज और रेस्टोरेंट नहीं दिखाती हूँ, बट इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कॉमेंट कि ऐसा टाइप का व्लॉग मैं बनाऊंगी कि नहीं, एंड इन द कॉमेंट्स कि कैसा लगा ये व्लॉग. और सब्सक्राइब करना मत भूलना. मेरा इंस्टाग्राम भी नीचे होगा विद द सेम नेम वंडर विद दिया, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर देना ज़रूर.
एंड दैट्स इट फॉर टुडे. माय बर्थडे इज ऑलमोस्ट ओवर, अभी सारे 11 हो गया है. बट यस, हियर्स टू अनदर ईयर गेटिंग ओल्डर. बाय गाइस, टेक केयर.